स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप ये लाइव तस्वीरें पानीपत के रेड लाइट चौक से देख सकते हैं। संविधान चौक से आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्कूलों के, कॉलेजों के और एनसीसी के जो बच्चे हैं वो आप लोगों को हाथ में तिरंगा लिए नजर आएंगे और आज ये पानीपत के बाजारों से होकर गुजरेंगे ताकि कल जो है 15 अगस्त को लेकर हर कोई जो है तिरंगा अपने छतों के ऊपर, तिरंगा अपने घरों के ऊपर जो है फहराए। आप ये पुलिस के जवान जो हैं देख सकते हैं हाथ में तिरंगा ले हुए, ये पुलिस के जवान हैं और एक ही संदेश दे रहे हैं कि 15 अगस्त जिस दिन हमारे को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन को जो है पूरे धूमधाम से जो है मनाना चाहिए। और ये तिरंगा जो है हाथों में लेकर आज ये जवान पानीपत के विभिन्न बाजारों से होते हुए निकले देंगे और संदेश देंगे एक ही कि 15 अगस्त को हमें जो है याद करना चाहिए, जिन शहीदों ने देश के लिए शहीदी दी उन शहीदों को जो है याद करना चाहिए। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में तस्वीरें साथ के साथ शहीद जुड़क रहे पानीपत के संविधान चौक से आप लोगों को ये सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और सामने देखें, सामने स्टेज के ऊपर जो कल चीफ गेस्ट से जो झंडा लहराएंगे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मूलचंद शर्मा मंत्री जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, साथ में पुलिस के जवान और एसपी डीसी जो हैं वो भी यहां पर पहुंचों में हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और तिरंगे को फहराया जाएगा, कल तिरंगे को लहराया जाएगा और देश की आन बान शान जो है तिरंगा उसको लेकर खासा उत्साह जो है देख सकते हैं हम, बच्चों में भी बना हुआ है, हाथ में तिरंगा लेकर ये लोग निकलेंगे पानीपत के बाजारों से होते हुए निकलेंगे और लोगों को संदेश देंगे कि तिरंगा हमारी शान है। सीधा आपको स्टेज पर ले चलते हैं। देख सकते हैं तिरंगा फहराया जा रहा है स्टेज के ऊपर, साथ में जिला अध्यक्ष बीजेपी के दुष्यंत भट्ट, डिप्टी कमिश्नर एसपी पानीपत वो भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आज के दिन क्या संदेश देते हैं। तो बाजारों में निकल रहे हैं और बाजार वाले देख सकते हैं आप, ये फूल बरसाकर जो है स्वागत कर रहे हैं इनका, ये फूल बरसाया जा रहा है बाजार वालों की तरफ से क्योंकि कल 15 अगस्त है, उसी का संदेश लेकर ये तिरंगा यात्रा पानीपत के विभिन्न बाजारों में होते हुए निकल रही है और बाजार के विभिन्न जो लोग हैं फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं पूरी यात्रा का। तस्वीरें आप साथ के साथ शेयर जरूर करें, पानीपत के बाजारों से आप लोगों को सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बाजार के अंदर तमाम जगह निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर, कल 15 अगस्त है आज ये यात्रा निकाली जा रही है? हाँ देखिए, आज ये तिरंगा यात्रा पुलिस प्रशासन द्वारा निकाली गई है जिसमें हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये तिरंगा यात्रा से जुड़े और लोगों में जो एक देशभक्ति की भावना जिसके तहत हमें आज़ादी मिली है उस भावना को साथ में दिमाग में रखते हुए, मन में रखते हुए सभी लोग काम करें, इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली गई है। तिरंगा लेकर आदमी जज्बा आ जाता है जी, बिल्कुल देश के प्रति, बिल्कुल सभी लोगों में ये जज्बा होना चाहिए और इसी चीज को सब लोगों में जागृत करने के लिए हमने जो यात्रा निकाली। एसपी साहब पानीपत हैं और बिल्कुल प्रयास है कि लोगों को जागरूक करने का कि देश के प्रति जो जिन शहीदों ने शहीदी दी है उसको जो है याद किया जाए। तो एक मंत्री जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, कल 15 अगस्त है और तिरंगा यात्रा निकल रही है? 15 अगस्त पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हमें गर्व है जिन्होंने आज़ादी के लिए सब कुछ अपना नौछावर किया, आज उनकी जो शहीदों को मैं नमन करता हूं और आज उनकी खुशियों से आप सुख की सांस है, अपनी बात कह सकते, अपनी आवाज़ हमारी सुरक्षा जो दी है, आज के लिए पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। आज विभाजन हुआ था देश का, लोग इस चीज़ को भी याद करके आंखें नम कर रहे हैं। मुझे उस बात का भी है कि जिन लोगों ने आज जो विभाजन हुआ था और विभाजन के समय जिन लोगों ने यातनाएं सही थी उनके आज उन लोगों को आज ही पीड़ा है कि जिस समय बंटवारा हुआ था और उस समय वापस कोई हिंदुस्तान कोई उधर रहे थे, उन बातों को भी आज हमको भी इस बात की उनकी कुर्बानी को याद लाते हैं कि उनके कारण सब कुछ हमको देश को मिला है। प्रधानमंत्री जी का कोई संदेश देना चाहे आप? ये देश के प्रधानमंत्री राजेंद्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से दुनिया में जो विकास हुआ है, सम्मान मिला है, आज 140 करोड़ लोग उनके नेतृत्व में जो सुरक्षित हैं, यही तो है झंडा के नीचे, ये जो तिरंगा है यही सुरक्षा है, देश का कवच है, हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग इस झंडे को लेकर चल रहे हुए हैं, वही सुरक्षा कवच है, इसके झंडे के नीचे ही हम सब एक हैं।
आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में ये देश सुरक्षित है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा देश के प्रधानमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री होता है देश का। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके नेतृत्व में आज सब कुछ ठीक है। एक बार डीसी साहब से भी बात कर लें। सर क्या कहना चाहेंगे आज तिरंगा यात्रा के दौरान? नहीं, हमारे तो ये 11 से कर रहे हैं, हम तो तिरंगा यात्रा 11 से कर रहे हैं, 11, 12, 13, 14 हैं, कल तिरंगा ही फहरा देंगे मंत्री जी। तो ऐसा है, ये तो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने देश के झंडे के प्रति सम्मान होना चाहिए। और ये अच्छी है, हमने स्पेशली ये था कि एक दिन तो स्पेशली इसके लिए निकाल लेंगे, तो आज ये था कि मंत्री जी आएंगे तो इनके लिए ज़रूर हम निकाल लेंगे। अदरवाइज पहले 3 यात्रा में मैं और SP साहब शामिल नहीं हुए थे, और आज ये था कि आज की यात्रा में शामिल होंगे। कल आप लोग भी साथ रहे, आमंत्रित है 15 अगस्त में। थैंक यू सर, थैंक यू। बट साहब क्या कहना चाहेंगे, देश आज़ाद हुआ है, लोग पूरा देश की आज़ादी मना रहे हैं। आज पूरा देश तिरंगा में है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से कि आज हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है। नहीं तो एक ओकेजनली बहुत कम लोगों के केवल तिरंगा झंडा फहराया जाता था, आज हर आदमी तिरंगा लेकर घूम रहा है, अपने घरों पे तिरंगा लगा रहा है। आज तिरंगा के सम्मान में पूरा देश है मैदान में, और इसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर में, आगे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के साथ चुप बाजार के जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग आप लाखों लाइव तस्वीरों में देख रहे होंगे। आज देश के लिए जज्बा जो है वो आज जरूर लोगों में जागृत होगा, क्योंकि कल 15 अगस्त है, पूरा देश जो है इस दिन को मना रहा है, और उसी के खास तैयारी जो है पूरे देश में चल रही है। आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा, पीछे पीछे पुलिस के जवान, NCC के बच्चे और कॉलेजों से आए हुए जो बच्चे हैं वो आप लोगों को तस्वीरों में देख रहे होंगे। खास तौर पर आज पुलिस प्रशासन, SP और डिप्टी कमिश्नर जो है आप लोगों को आगे आगे झंडा लेकर चलते हुए नजर आ रहेंगे। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि मंत्री जी का कहना है कि देश सुरक्षित है आज, और आज जिस सांस ले रहे हैं हम, जिस देश में सांस ले रहे हैं, उन शहीदों को जो है याद करके एक जयघोष जो है वो जरूर होना चाहिए, और उसी जयघोष के नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं ये NCC के जवान, पुलिस के जवान जो है आप लोगों को लाइव तस्वीरों में नजर आ रहेंगे। और बाजारों से, जिन बाजारों से ये तिरंगा यात्रा निकल रही है वहाँ पर इनका भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है, और साथ में फूलों की वर्षा जो है वो की जा रही है, मिठाइयाँ जो है बांटी जा रही हैं, लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं। तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत के इन 4 बाजार से आप लोगों को लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप ठंडा लाहौरी जीरा, साथ में लड्डू जो हैं वो भी बांटे जा रहे हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। एक जयघोष इस देश के नाम होना चाहिए। जो लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वो वंदे मातरम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और ये पुलिस के जवान हैं जो यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, तिरंगा कंधे से ऊपर रखा हुआ है, और कंधे से ऊपर रखा ये तिरंगा जो है ले जाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय है वो ना लिखना भूलें, और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।